हमारा मेन मुद्दा है पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़े हैं उनके ऊपर जो इंडिया गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है वो हमारा मेन मुद्दा है। इसके अंदर हमारी गाड़ियाँ चल नहीं सकती इस पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हुई में, नहीं हम किस्त भरने के लायक रहे। टोल टैक्स और क्या नाम हमारे रोड टैक्स इतने बढ़ गए हमारे ऊपर, हम किसी तरीके से काम नहीं कर पा रहे। सरकार ने इस इंडस्ट्रीज को फैल करने का ठेका ले लिया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के हमारे माननीय कुलकर्णी जी हमारे प्रधान अटवाल जी, वो उनके पूरे आदेश के ऊपर लगा लो पूरे इंडिया के अंदर हमने ये आज के दिन काला दिवस मनाया। आज के दिन हमारे सब बाहर देखो ट्रांसपोर्टरों में काले झंडे लगे हुए हैं, गाड़ियों पे भी, और क्या नाम हमने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी थी और झंडे लेके हम सारे के सारे हमने जाके ने वहाँ पे हमने ज्ञापन दे के आए प्रधानमंत्री के नाम और क्या नाम वित्त मंत्री के नाम और ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम। एक सबसे बड़ी समस्या हरियाणा की है, ये तो इंडिया लेवल की है। हमारे जो पासिंग की हरियाणा के अंदर इंडिया लेवल पर ऐसा कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं, इन्होंने जोनल वाइज पासिंग कर दी, 5 जोन बना दिए हरियाणा में, वहाँ पासिंग होती है। जैसे पानीपत डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और जींद, ये 5 डिस्ट्रिक्ट रोहतक में पासिंग होती है। एक गाड़ी का एक टाइम में जाने के लिए कम से कम 7,000 रुपये खर्चा आता है और कई बार तो गाड़ी पास भी नहीं होती है, ऐसे वापस आ जाती है, 3-3 4-4 चक्कर मारती है, हफ्ते में एक दिन नंबर आता है। तो इस तरह ये बेरोजगारी फैलने का सरकार ने टेंडर ले लिया, देश को भूखा मराने का टेंडर ले लिया। न सीएम साहब ये दिमाग में आंधी, खट्टर साहब के हमने 2-4 बार ज्ञापन भी दे लिए, स्पेशल मिल के भी देख लिया, न परिवहन मंत्री जी मूलचंद जी के दिमाग में बात आ रही भैया ट्रांसपोर्टर दुखी है इनका सुख करे। मूलचंद जी तो कहते हैं भाई मुख्यमंत्री के लेवल की बात है, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। आज इसीलिए हमने ज्ञापन दिया, अगर सरकार अब भी नहीं चेताई तो अगस्त के महीने में पहले हफ्ते में पूरे इंडिया लेवल के ऊपर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होगी। जैसे कोरोना से मार्केट में प्रोडक्शन कम हुआ, गाड़ियां वैसे ही खड़ी हैं, वैसे मार पड़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में जो एम्प्लॉइज हैं वो बेचारा उनका घर तभी चल जाए अगर ट्रांसपोर्टर उनको पे देगा, वो पे हमको देनी पड़ रही है, इधर हमारा काम नहीं है, तो हमें इतनी मुश्किल आ रही है कि ट्रांसपोर्ट चलाएँ या बंद करें, हम इस कगार पर खड़े हैं। 1.5 साल से तो ये हमारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। अब कोरोना से बीमारी बढ़ रही है, और चीज़ बढ़ रही हैं, खर्चे नहीं हैं तो इनकम है नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, ये पारिवारिक में भी है, हर बंदा टेंशन में है। बचत फिलहाल तो कोई बचत नहीं है जी, पहले एक तो 5-10 हज़ार रुपये गाड़ी के जैसे बची जाते थे, इस टाइम तो 1-1.5 साल से तो वही बात है, गाड़ियों की सबकी किस्त टूटी हुई है और कोई मतलब बचत वाला काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो इस तरीके से है ना, आने वाले टाइम में तो बंद करनी पड़ेंगी। और ये तो क्या है कि सरकार इस चले तरीके से चलती रही तो ये तो कोई दिन दूर नहीं है जब देश गुलाम हो जाएगा। लास्ट ईयर हमारा एक साल पहले 20 अप्रैल को 61.58 रुपये डीजल रेट था, जो आज 88.60 रुपये के आसपास है लगभग, ये 22-23 रुपये पर डीजल बढ़ चुका है, जो हमारा एक चक्कर का 23-24 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है। यही हमारी बचत थी महीने की, बचत गाड़ियों में रही नहीं, हमें गाड़ी खड़ी करने के कगार पे आ चुके हैं। वैसे भी कोविड करके पिछले 1 महीना गाड़ी खड़ी रही है, गवर्नमेंट ने पिछले साल तो इंस्टॉलमेंट भी रोक दी थी, इंस्टॉलमेंट भी हमने 15-16 लाख रुपए घर से भरी है, जो हमने पूंजी अपनी इकट्ठी की थी उसी पूंजी में से घटा के इस कगार पे आ चुके हैं। हमारे बिजनेस में कोई पूंजी नहीं खड़ी हुई, अब हमने लोन लेके दोबारा कुछ बिजनेस चलाने के लिए सोचना पड़ेगा। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812245।
Yes, yes, Bite. Yes, Bite is the right choice for you. Yeah, yeah.